नमस्कार, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ आपके लिए यह नवरात्र का एक स्पेशल प्रोग्राम हमने रखा हुआ है जो उपवास की सही विधि को बताने के लिए है कि नवरात्र में बहुत से लोग 8 या 9 दिन जितने दिन भी नवरात्र के होते हैं उन सभी दिनों में वो बहुत ही शिद्दत के साथ उपवास करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को उपवास की सही विधियां नहीं पता हैं। इसलिए मैं आपको बहुत सी ऐसे टिप्स दे रहा हूं जो आपके फ़ायदे के लिए हो सकते हैं। तो आप जैसे ही ये समझिए कि खूब थका हुआ व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ व्यक्ति होता है, और जैसे ही उसको नींद लगती है वो खूब अच्छी तरीके से सोता है और सोने के बाद वो तरोताज़ा हो करके फिर काम लायक होता है, काम लायक और अधिक उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है काम के लिए। ठीक उसी तरीके से आहार विहार की गड़बड़ी से बहुत सी ऐसे विकार पैदा हो जाते हैं शरीर में जो कि समय न मिलने के कारण वो विकार दूर नहीं हो पाते हैं। इसलिए उनको दूर करने के लिए उपवास की व्यवस्था हमारे जो मनीषी रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ करके उपवास की व्यवस्था रखी। अब ये प्राचीन काल के लोग चूंकि अक्सर उपवास रखा करते थे, अब अक्सर वो इसको उन्होंने धार्मिक कृत्यों से जोड़ दिया था, इसलिए उनको सारी उपवास करने की विधियों का ज्ञान था जो पीढ़ियों दर पीढ़ी तक चलता चला आया, लोगों को मिलता चला आया। लेकिन बाद में कालांतर में लोग इसको भूलते चले गए और उन्होंने इसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने का प्रयास नहीं किया। तो उससे हुआ ये कि जो उपवास की परंपरा थी उसमें लोगों को ज्ञान नहीं हुआ कि किस तरह का उपवास किया जाए। बाद में बहुत से लोगों ने उपवास रखना या उसको समझना उन्होंने दूर कर दिया, जो भी उनके वैकल्पिक कारण रहे हो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो उपवास की जो महत्ता थी वो एक सीमित लोगों तक आ गई। जैसे कि जो समाज के वर्ग थे, बहुत से ऐसे वर्ग थे जो आस्था दर्शन और धर्म से जुड़े हुए थे, वो केवल उनके पास सिमट कर रह गए और बाकी लोगों के पास उपवास की जानकारी नहीं रही और धीरे धीरे कालांतर में ये समाप्त होती चली गई। तो लोगों को जैसे ये समझ में आया कि उपवास का मतलब है कि आप खाना ना खाइए, भोजन ना करिए, पानी ना पीजिए, फल ना खाइए आदि आदि चीज़ें जो जिसके दिमाग में आई उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि उपवास के बारे में सारी जानकारियाँ लोगों के परिवार से चली गई, लोगों से दूर होती चली गई और उनको जो जैसा समझ में आया, जो अपनी सुविधा उनकी रही उस अनुसार वो कार्य करने लगे। अब मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म में बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, टिप्स देने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर उपवास ठीक से नहीं किया गया तो उससे हानि भी हो सकती है, नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं, फायदा की बजाय नुकसान अधिक होने की संभावना रहती है। इसलिए किसी उपवास करने वाले से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो आपके यहाँ उपवास कर रहे हो, बड़े बुजुर्ग लोग हों, उनसे जानकारी लेना चाहिए और उनसे ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि उपवास किस तरह से करना चाहिए और उपवास के दिनों में क्या आचरण होना चाहिए, क्या आचार विचार होना चाहिए। तो उपवास का ये मतलब नहीं है कि आप भूखों मरें, बल्कि उसका ये उद्देश्य है कि आप कम भूखे रहें या बिना भूख के भोजन ना करें, ये उपवास का मतलब है। अक्सर लोग क्या करते हैं, घड़ी देख करके भोजन करना शुरू कर देते हैं, खाना खाने लगते हैं, तो ये उनकी एक
प्रवृत्ति बन जाती है, देखा 2 बजे हुए अब तो खाना खाने का समय है, खाना खा लिया जाए भले ही भूख लगी हो या न लगी हो। तो उपवास का ये मतलब है कि भूखो मरना नहीं है। और दूसरा ये कि उपवास जो है वो तभी करना चाहिए जब भूख की कमी हो या भूख में अभाव हो या भोजन न पच रहा हो या अपच की शिकायत हो, तभी उसको करना चाहिए। और ऐसे भोजन का चुनाव करना चाहिए जो हल्के हों, जल्दी पच जाएं और उनको हजम होने में कोई देर न लगे, गरिष्ठ ना हो और सरलता से पच जाएं। ऐसे भोजन होना चाहिए ताकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कम से कम शक्ति लगानी पड़े और शक्ति जो है बची रहे। और एक बात ये समझ लीजिए कि रोटी है, दाल है, चावल है, इनको पचाने में बहुत ही समय लगता है। उसका कारण ये है कि ये प्रोटीनस सब्सटेंस हैं, यानी प्रोटीन वाले सब्सटेंस हैं, फैट वाले सब्सटेंस हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो भी कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि देर में पचते हैं, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बहुत शीघ्रता से पच जाते हैं, और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो देर में पचते हैं। जैसे गेहूं की रोटी है वो थोड़ी देर में पचेगी बनिस्पत एक केला खाने के। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन केला एक फल है और गेहूं भी एक वनस्पतिक द्रव्य है, लेकिन उसकी जो संरचना है वो उससे कुछ दूसरी तरह की है, इसलिए फर्क पड़ता है। और यही कारण है कि जो चावल है वो जल्दी हजम हो जाएगा, जो गेहूं है वो देर में हजम होता है। तो ये उसके बुनियादी फर्क हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो इसमें ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जो कि जल्दी हजम होने वाली चीज़ें हों। और उपवास में यही करना चाहिए कि हल्की चीज़ें ले, फल लें, क्योंकि फल जल्दी पचते हैं, जूस हैं, जूस जल्दी पचते हैं, और कुछ ऐसे और द्रव्य होते हैं जैसे आलू है, ये जल्दी हजम होती है इसलिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में दूध है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी आप खा सकते हैं। तो जो समझदार लोग हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं खाते हैं, जैसे रोटी है, दाल है और ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं खाते हैं। और ये एक विशेष बात है कि उपवास के दिनों में पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से जो छोटी आँत है और बड़ी आँत है उनके अंदर का जो जमा हुआ मल होता है वो स्टमक के एसिड और उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो सब घुल करके पानी के साथ में घुल करके आँतों की सफाई में हिस्सा लेते हैं और उसको साफ करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कोई चीज़ आँतों के अंदर होती नहीं है या कम होती है या जल्दी हजम हो करके वो बड़ी आँत में पहुंच जाते हैं और वहां जा करके इकट्ठा होते हैं, तो पानी पीने से जो आँतों की सफाई है वो छोटी आँत की वो बड़ी अच्छी होती है। और इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि आँतों की धुलाई कर रहे हैं। तो कम से कम 4-5 किलो जो या 4-5 लीटर पानी जो है ज़रूर पीना चाहिए। और उपवास के दौरान एक खास बात ये रखें कि कोई बहुत अधिक कठिन श्रम न करें, मेहनत न करें और अपनी ऊर्जा को संचित रखें, ऊर्जा को बचाएं, कम बोलें, अधिक न बोलें, बहुत ज़्यादा श्रम न करें। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको आराम करना चाहिए। इसके अलावा 2-3 चीज़ें ज़रूर सेवन करनी चाहिए। एक तो फ्रूट जूस, किसी भी तरह का फ्रूट जूस हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी तरह के जो उपवास करने वाले लोग हैं वो फ्रूट जूस है, हल्के फल है या फलों की सलाद है, उसमें नमक, सेंधा नमक मिला सकते हैं। ये समुद्री नमक नहीं मिलाना चाहिए, उसमें सेंधा नमक खा सकते हैं ताकि पोटेशियम, सोडियम और
क्लोराइड का जो बैलेंस है वो बराबर बना रहे। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए तो फायदेमंद है उपवास, लेकिन जिनको लो ब्लड प्रेशर हो वो न करें, ज़्यादा अच्छा है। अगर उनको करना ही है तो वो हैवी फूड खाएं और बार बार खाएं और अपना पेट खाली न रखें। उनको खाना ज़रूरी है, कुछ भी खाएं वो। और उनके लिए जो लो ब्लड प्रेशर वाले हैं इनके लिए बहुत आवश्यक है। हाई ब्लड प्रेशर वाले अगर नहीं खाते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं है और उनके लिए तो फायदे की बात है। दूसरा, जिनके गुर्दे खराब हो या जिनको गुर्दे की तकलीफ़ हो, हृदय के रोगी हो, जिनको दिल की बीमारी हो, फेफड़े की तकलीफ़ें हो, या जिनको दिमाग से संबंधित तकलीफ़ें हो, ब्रेन के स्ट्रोक हो चुके हो, और इन लोगों को या रक्त के प्रवाह से संबंधित है, सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित कोई तकलीफ है, तो उनको ये नहीं करना चाहिए उपवास, उनको ना करें। अगर वो करना ही चाहते हैं तो वो खाते पीते रहें, अच्छा खासा फल खाएं, अच्छा खासा फ्रूट जूस लें और दूध पी सकते हैं, तो इस तरह से उनका जो व्रत है वो भी कायम रहेगा, जो उनकी आस्था है वो आस्था भी ठीक रहेगी। और औषधियाँ ज़रूर खाते रहें, जो जैसी औषधियाँ खा रहे हैं वो ज़रूर खाएं, क्योंकि औषधियाँ अगर नहीं खाएंगे तो उनको दिक्कत होगी और तकलीफ़ें उनकी बढ़ सकती हैं। तो ऐसा उपवास करने से क्या फ़ायदा जो तकलीफ़ें बढ़ा दे और जीवन मरण की स्थिति पैदा हो जाए। तो इससे बेहतर है कि वो उपवास ना करें। अगर उनको करना ही है तो वो दवा खाते रहें, दवा साथ में लें और भोजन व्यवस्था भी अपने ठीक उसी तरीके से करें, पेट ना खाली करें। उपवास के लिए उनके लिए यही काफ़ी है कि वो अगर फल भी खा लेंगे, रसाहार कर लेंगे। रसाहार से मतलब कि फ्रूट जूस लेकर के या फलों का रस लेकर के वो बार बार एक गिलास लें, दो गिलास लें, तीन गिलास लें। फलों के रस में अनार सबसे अच्छा है और मौसम्बी का भी ठीक है, संतरे का भी ठीक है, सब मिला करके भी ले सकते हैं। उसमें नमक, सेंधा नमक मिला करके और काली मिर्च छोड़ करके उसको ले सकते हैं। फलों में सभी फलों की सलाद बना करके खा सकते हैं। और ये है कि दूध ले सकते हैं, उसमें आधा पानी आधा दूध मिला करके उसको पका लें, उसमें शक्कर मिलाएं या न मिलाएं। अगर मखाना की खीर बना करके खाना चाहते हैं या शकरकंद मिलाकर खाना चाहते हैं तो थोड़ी मिलाकर खा सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि उपवास करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, उसके लिए कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन सोच समझ के करें। और इसमें उपवास के दिनों में मन, आत्मा, शरीर इन और विचार, इन सब को जो भी इसमें समाहित है, शरीर मन और आत्मा में जो भी चीज़ें हैं उनको शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक समझने के लिए बेहतर तरीका यही है कि मन से भी विश्राम किया जाए, शरीर से भी विश्राम किया जाए और आत्मा से भी विश्राम किया जाए। यानी आराम करने से, विचारों से और शरीर को भी आराम देने से उपवास का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। अंत में मैं समअप कर रहा हूँ, 4-5 लीटर पानी पिएं, दूसरा फलों की सलाद खूब खाएं, तीसरा जो दवाई खा रहे हैं वो ज़रूर खाएं, उसको बिल्कुल ना रोकिए, चौथा जिनको हृदय रोग हो, जिनको मस्तिष्क की बीमारी हो, जिनको फेफड़े से संबंधित तकलीफ हो, जिनको गंभीर बीमारियां हो, गुर्दे की हो, कैंसर हो या दूसरी ऐसी तकलीफें हो जिनके जिसमें भोजन न करने से उनको और तकलीफें होने लगें, वो कतई न करें। अगर वो करना चाहते हैं तो फिर खूब खाएं। जिनको लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है वो भी खूब खाएं अच्छी तरह से।
जो फल है, फ्रूट जूस है, नमक है, सेंधा नमक है, ये जरूर खाएं, क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम तथा दूसरे मिनरल्स भी सेंधा नमक में मिले होते हैं, वो फायदा करते हैं। और साथ में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो उनसे पूछ करके क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, या अनुभवी लोग हैं उनसे ज़रूर पूछें और उनसे पूछ करके भोजन व्यवस्था कर सकते हैं। एक दिन का उपवास करें, बस यही काफ़ी है। जो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, जिनको अपना वजन कम करना है या जिनको और कोई दूसरी विकृतियाँ हैं, वो किसी चिकित्सक से सलाह लेकर के या किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के उपवास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से कोई भी ऐसी व्यवस्था ना करें जिससे आपको दिक्कत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूँ नवरात्रों की, और उम्मीद है ये नवरात्र स्पेशल से आप सब लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर का जो सुख है वो निरोगी काया है, और उसी के उद्देश्य के लिए उपवास भी बनाया गया है, तो उपवास को इसी संदर्भ में लेना चाहिए। अब जिनसे जितना निभ सकता है वो अपना निभावें। इसी के साथ सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं, नमस्कार। हमारा अगला कार्यक्रम देखते रहिए, धन्यवाद।